तो देखो आप, जैसे जो ऊपर दो गीत हमने आपका सुनाए, इतने अच्छे गीत के मतलब जो निश्चित है कि मंडप गढ़ गो और लड़की की शादी की तैयारियां होने लगी। मान लो देहातन में का करत के बहुत छोटे में शादी कर दे, अगर वो बच्ची बहुत छोटी है और इतनी छोटी है कि वो जो ज्ञान भी नहीं है कि जब हमारी शादी हो रही कि हमारी बारात आ रही कि का हो रो, आंगन में मंडप गढ़ो, मंडप के नीचे बा बिटिया बिल्कुल अपनी छोटी छोटी पायल अपने पावन में पहने, उनमें रुंझुन बज रहे, उतई उको पिता खड़ो मंडप के नीचे और वह बेटी उस मंडप के नीचे खेल रही। जब खेल रही बाप ने देखा कि ये लड़की खेल रही है, इसकी बारात सामने से आ रही है, बाप की आंखों में आंसू आ गए, उसे उठाया अपने सीने से लगा लिया और क्या कहा कि रौनक झुनक बेटी मंडप डोले सो बाबुल लई है उठाय भले रौनक झुनक बेटी मंडप डोले सो बाबुल लई है उठाय भले बेटा कि बाबुल कहे बेटी जुगिया जो हो तो झुलिया में ले तो लोकाय भले जू मैया कहे बेटी छैया जो होती तो आंचल में लेती पाय भले इतने में भैया आ गया तो भैया बोला कि बहन के भैया कहे बहनी सुमना जो होती तो पिंजरा में ले तो पढ़ाय भले और भाभी कहें ननदी। देखिए बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, अक्सर आपने ये सुना होगा कि ननंद और भाभी की बिल्कुल नहीं पटती, हमेशा झगड़ा होता रहता, लेकिन इन शब्दों से जो बहुत पुरानी लाइनें हैं, इन लाइनों से पता चल जाएगा कि भाभी और ननंद का रिश्ता कितना गहरा होता है। भाभी कहे ननदी सेंदुर होती तो मांग में लेती भराय भले एक बाप जो बेटी को अपने सीने से चिपकाए है, उसकी बारात आ रही है, वो कह रहा है कि बेटा तू कल विदा होके चली जाएगी और बाद में ये कहता है कि बेटा अगर मैं जो भी होता तो तुझे अपने सीने से लगा लेता, अपनी झोली में छिपा लेता, कहीं ना भेजता। लेकिन लड़की कहती है कि देखो पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप सब, काहे खां बाबुल तुम जुगियारी होते और चल में हाँ 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 और झोलिया में लेते छुपाय भले और काहे खां भाभी हम सेंदुर होते जो मांग में लेती भराय भले।
देखो पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं, आखिर आप लोग परेशान क्यों हो, रो क्यों रहे हैं? वो बोला, बाप बोला कि देखो बेटा, जे बाजत आबे श्री रामा के बाजे और सोहत नवल निशान भले जो और नाचत आबे सजन पतुरिया और दमकत सोलह दमाद भले जो। क्या हुआ पिताजी? बोले बेटा, जो ये बाजे बजते आ रहे हैं, ये नाचती आ रही हैं, जो ये हमारा दामान चला रहा है, बेटा तेरी बारात आ रही है, तेरी शादी होने वाली है। लड़की बोली, पिताजी तो इसमें रोने की क्या बात है? बोले बेटा, इसलिए काहे के पूजों में रामा के बाजे और काहे से नवल निशान भले जो और काहे से पूजों में सजन पतुरिया और काहे से अपनों दमाद भले जो। पिताजी केवल ये चिंता? बोले बेटा, बस यही चिंता है कि मैं काहे से इनका पूजन करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं कि इनको दे सकूं तेरी शादी के वक्त। लड़की बहुत समझदार थी, भली छोटी थी, बोली पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, भगवान ने उतना आपको दिया जितना आप देने योग्य हैं। जैसे तसलन पूजो श्री रामा के बाजे और रुपयन नवल निशान भले। और पिताजी मोहरन पूजो सजन पतुरिया। बोले बेटा ठीक है, ये तो पूज दूंगा, लेकिन ये बता के मेरा दामाद जो आ रहा है, दामाद की पूजा काहे से करूंगा? बोली बता रही हूँ पिताजी, मोहरन पूजो बाबुल सजन पतुरिया और बेटी लेके अपनो दामाद भले जो। जी ऐसी क्या बात है, अब तो कोई चिंता नहीं है, मुझे ले चलो और दामाद की पूजा कर दो, बोलो क्या बचा। लड़की के मुंह से ये बात सुनी तो माँ खड़ी थी, माँ बोली बेटा ये बात और इसका उत्तर दे दे, अगर इतने बड़े उत्तर तू देती है तो ये उत्तर और दे दे। क्या? के काहे खा से मैंने हरदी के बेरे छावर काहे खा हरियल बांस भले जो काहे खा से ही मैंने बेटी लाड़ली जो चमके सूरज कैसी जोत भले जो। ये बता दे कि ये सब मैंने हल्दी के पेड़ क्यों लगाए और ये सब मैंने क्यों किया है, क्या उसका उत्तर दे सकती तू? बोली माँ, मैं बता रही हूँ कि तूने आंगन में हल्दी के पेड़ क्यों लगाए, बांस के पेड़ क्यों लगाए, तो मुझे क्यों पैदा किया, ये तीनों बातों का उत्तर बता रही हूँ माँ।
पिया रे खांसे तुमने हरदी के बेरे छावर मंडप था हरियल बांस भले ओते देखा से ही तुमने बेटी लाड़ी जो चमके सूरज कैसी जोत भले जो माँ एक बार और सुन लो ये बहुत अच्छी बात है पिया रे खांसे तुमने हरदी के बेरे छावर मंडप खा हरियल बांस भले जू दे बे खांसे ही तुमने तेटी लाड़ली जो चमके सूरज कैसी जोत भले कोई तकलीफ है बोली नहीं बेटा तूने तो सब तकलीफें दूर कर दी तो बोली माँ एक काम करो पांच सुपारी नौ हल्दी की गांठें पांच सुपारी नौ हल्दी की गांठें आतन में दैयो लगाय भले जो संसार एक चक्कर है सो मोखा दैयो भुलाय भले लड़की कहती है तो माँ फिर रोने लगी कि बेटा ऐसी क्या बात है बोली माँ फिर रोने लगी बोली बेटा मैंने पहले ही कहा था कि अगर तू लड़का होती तो तुझे अपने आंचल में रख लेती अपने से कभी अलग ना करती बोली माँ मैंने पहले मना किया था फिर मना करती कि काहे घमैया हम छैयारी होते जो आंचल में लेती छुपाय भले जो भाई भी लपट के रोने लगा तो बोली भैया काहे खा भैया हम सुना नारी होते जो पिंजरा में लेते पढ़ाय भले जो सिर्फ यही सोच के रह गए कि देखो तो आज मोरी चिरैया के दो दल सुन है कोना में लेती छुपाय भले जू मोरी चिरैया के दो दल सुन है कोना में लेती छुपाय यही कहती रही कि माँ पांच सुपारी नौ हल्दी की गांठें आतन में देवो लगाय भले जो संसार एक चक्कर है सो मोखा देवो भुलाय भले रौनक झुनक बेटी मंडप ढोले सो बाबुल लई है उठाए भले
रौनक के बेटी मंडप डोले बाबुल